निकाल देंगे नहीं जाएंगे मेरा राजेश अरोड़ा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स में। क्या आप लोगों की मुख्य मांग है, क्यों निकाला जा रहा है टर्मिनेशन के बाद? देखिए, ये बड़ी विचित्र बात है। आपका न्याय मांगने का अधिकार तो संविधान ने हमें दे रखा है, ये हमारा मूलभूत, हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में एक राइट होता है, राइट टू रेमेडी, दैट इज अंडर आर्टिकल 13, अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 32। जब हमारे को, हमने डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन पे कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करी, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कैट जाऊँगा, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। अगर मेरा इसी ग्राउंड को, कि मैं कोर्ट चला गया हूँ तो इसी ग्राउंड को बनाते हुए मुझे नौकरी से निकाला जाता या मेरा रिन्यू नहीं किया जाता, तो एक तरह से ये हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी हाई कोर्ट, कैट और सुप्रीम कोर्ट और हमारे फंडामेंटल राइट पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है। जिसने भी किया है, ये एक तरह से मैं इसे कुकृत्य ही कहूँगा, ये कुकृत्य है। 15 सालों से निगम में बीजेपी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, क्या किसी साजिश के अंतर्गत ये पूरा का पूरा प्रकरण किया जा रहा है हटाने का? देखिए, ये मैं इस पे जवाब नहीं दे सकता। 15 साल अगर बीजेपी की सरकार रही है तो वहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को इस तरह से तो कोई नहीं निकाला गया, कम से कम ये तो सामने ही है। और अभी हमारी मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय होगा तो सबको रेगुलर करेंगे, सबको सैलरी हम 1 तारीख को ही दे देंगे, और पहली बार का फंक्शन भी हुआ है, पर जबकि प्रत्यक्ष ये है कि 2 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है और इनका रेगुलराइजेशन तो दूर की बात, इनको नौकरी से भी निकाल दिया है। तीसरी बात, इनको नौकरी में भी रहते हुए भेदभाव है। क्या भेदभाव है? कि जो होता है इक्वल वर्क इक्वल पे, अगर सेम समान काम है तो समान वेतन मिलना चाहिए। इनको समान वेतन तो छोड़ो, इनको सिर्फ एक डीए और थोड़ा सा बेसिक पे मिलती है, जबकि एचआरए सीसीए, क्या एक इंजीनियर जो काम कर रहा है वार्ड में उसे क्या घूमने के लिए पेट्रोल नहीं लगता? क्या घूमने के लिए उसके संसाधन नहीं लगते? जब एक रेगुलर वाले को मिलते हैं तो इनको क्यों नहीं मिलते? जब आपकी सिमिलर सेम कंडीशंस होंगी तभी तो आप भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा पाओगे। एक इंजीनियर को आप 60,000 रुपये 80,000 रुपये दे रहे हो, उनको 30,000 रुपये दे रहे हो, क्यों? ये क्यों दूसरे दर्जे का नागरिक इन्हें क्यों बनाया हुआ है? आपने सेम काम कर रहे हैं, सेम पे दीजिए इनको, उल्टा इन्हें रेगुलराइज करना चाहिए, इनको इनकी सेवाओं का, इनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, वो तो छोड़ो। और एक बेकार से कारण को बनाते हुए कि आप कोर्ट क्यों गए और उसको हटा दिया, ये एक तरह से बड़ा अशोभनीय है। केजरीवाल कह तो रहे हैं कि रेगुलर कर रहे हैं, कर्मचारी खुश हैं, सैलरी टाइम पे आ रहा है। सर, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि वो कह रहे हैं, पर स्थिति, वस्तुस्थिति बिल्कुल विपरीत है। आपने कहा, मैंने भी सुना, मैंने भी टीवी में इंटरव्यू देखा, आप भी कह रहे हैं, मैं इस बात को सुना है क्योंकि मैंने देखा ये बात, पर वस्तु स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मतलब आपका कहना है कि कहाँ कुछ और जा रहा है, जमीन पे हालात कुछ और है? मैं कह रहा हूँ कम से कम इनकी नॉलेज में आना चाहिए, मेयर मैडम की नॉलेज में आना चाहिए और इन वस्तुस्थिति का संज्ञान लेते हुए इस वस्तुस्थिति को सही करना चाहिए। आप लोग की मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो क्या विकल्प बचाएगा? देखिए, अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट नरेश शर्मा जी ने बताया, हमारे पास पेन डाउन स्ट्राइक के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरी बात, एक और ऑप्शन जो है, अगर 23 आदमियों का तो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने नहीं रिन्यू किया, बाकी इन्होंने 170 का कर दिया, तो आज आपको बता दूं 170 से 170 अपना लिखित में दे गए हैं कि हम 100 मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो तो 200 को 200 रिजाइन कर देंगे, खत्म। हाँ जी बिल्कुल जी। नरेश शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स। इसका कारण ये है कि हमारे 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट के 223 इंजीनियर्स कॉरपोरेशन के अंदर कार्यरत हैं, उनको अचानक ही परसों 30 लोगों को उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई, उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, 223 में सिर्फ 169 को ही दी गई। तो इसी इन लोगों ने ये ना कोई इनको शो कॉज दिया, ना कोई अपनी बात कहने का मौका दिया, एकदम से ही इनकी एक्सटेंशन को रद्द कर दिया गया और इनको दो महीने से इन लोगों को आज तक तनख्वाह नहीं मिली है एक्सटेंशन रिन्यू ना होने के कारण। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि ये जो प्रथा है कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, ये ख़त्म कर देनी चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ अभी लगे हुए हैं उनको सभी को पक्का किया जाए और बाकी उसके बाद जो है ना किसी को भी इस प्रक्रिया में, कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया में ना लाया जाए। और अगर आपने एम्प्लॉय को अपॉइंट ही करना है, DSSB या अदर जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू पक्का किया जाए। आपको लगता है
नहीं, ऐसा कोई, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई। सवाल ये है कि क्या विकल्प रह जाएगा आप लोगों के पास अगर आप लोग जो मांग कर रहे हो उस पर सरकार कदम नहीं उठाया जाता है? नहीं, अब उसमें 223 इंजीनियर्स जो में से मैंने जो बताया 200 इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट के 200 वार्डों को चला रहे हैं, वो सारे काम जो है ना बंद हो जाएंगे। और अभी देखो इस टाइम पे इन्होंने कितना बड़ा शेमफुल काम कर रहे हैं कि G20 आने वाला है और उसमें इस टाइम पे इन लोगों ने 30 लोगों को निकाल दिया। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या आप लोगों की मेयर से बात हुई या कोई अधिकारी से बात हुई? हाँ, हमारी मेयर साहिबा से बात हुई है, अभी वो हमारे प्रदर्शन पर आई भी थी। उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइए और मैं इस मैटर को आज ही रिजॉल्व करवाऊँगा। उम्मीद, मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि वो करवाएंगी। अगर नहीं होता है तो आगे नहीं, नहीं होता तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक। कितने लोग प्रदर्शन में? हमारे अभी करीबन 400-500 लोग प्रदर्शन में थे।